स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और जो मेजर प्रोजेक्ट्स है वो उनका कंप्लीशन कहाँ पहुँचा है वो देखने के लिए हमने आज दौरा किया है। और जो करण नगर के इस वक्त हम प्रोजेक्ट पे हैं, आप देख सकते हैं कि हमारा जो रोड सरफेस है मैग्नमाइजेशन के लिए रेडी है जैसे ही हमारा टेम्परेचर फेवरेबल होता है। और जो बाकी सिविल वर्क है, खासतौर पर जो मुश्किल काम था अंडरग्राउंड वर्क था, वो सारा का सारा कम्प्लीट किया जा चुका है। अंडरग्राउंड डक्टिंग, अंडरग्राउंड शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक केबल्स, ये सारे जो इंपॉर्टेंट काम रहते हैं और जो टाइम टेकिंग काम होते हैं वो सारे दिन रात लग के यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। और अब बाकी का सिविल वर्क करना है तो एक डेढ़ महीने में बाकी के काम भी हो जाएंगे। और मैग्नमाइजेशन हमारा इमीडिएटली जैसे ही मौसम थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है दो चार दिनों में उसका काम भी शुरू हो जाएगा। और ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है इसको एक डेढ़ महीना लगेगा, बट रोड सर्फेस आप देखेंगे कि आने वाले 15-20 दिनों में रेडी हो जाएगा। यहाँ पे जो ई बस का आप जानते हैं कि हमारी लगभग 100 ई बसेज यहाँ पर आई हैं और 100 में से 98 बसेस अप्लाई कर रही है, दो हमारी रिजर्व रहती हैं। तो ई बसेस से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ लोगों को, ये आप खुद भी देख रहे हैं, क्योंकि हमारी HVAC बसेस रही विंटर्स में, आपने देखा कि वो हीटेड बसेस थी, उससे भी आराम मिला और ये टाइमली चल पाती है। इनकी ऐप है जिससे पता चलता है बस कहाँ पर पहुँची है और इस पर डिजिटल पेमेंट्स के अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है और आने वाले टाइम में हम और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करने जा रहे हैं, उससे भी लोगों को कन्वीनियंस है। और क्योंकि टाइमली चलती है, लेट नाइट भी चल रही है, उससे भी जो है सर्विस एक अशोर्ड सर्विस मिल पाती है, सेफ सर्विस मिल पाती है, वो इस ई बस का फ़ायदा है। तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा और हमें उम्मीद है आने वाले टाइम में और फ्लीट जो है इसमें ऐड हो। हमारे सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इसी तरह डिज़ाइन किए गए कि इनकी डेडलाइन जो है वो जून 30 जून है, बट हमें उम्मीद है आने वाले डेढ़ महीने में ये काम कंप्लीट हो जाएंगे।